अगर आपका सपना जो है ना वो सरकारी नौकरी का है, तो आप भले ही जॉब करें, आप भले ही पढ़ाई करें, आपको पढ़ना तो है ही। आपको बस अपनी एक सीट के बारे में सोचना है कि आपको वो एग्ज़ाम जो है वो निकाल के रखना है। आपको करना ही होगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है? तो जब करना ही है तो इधर उधर की बातों को छोड़ दीजिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंड इंडियन विदाशी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि UKSSC में अभी यहाँ पे जो पेपर होने वाले थे वो शिफ्ट हो रहे हैं, और अभी ये भी नहीं पता कि कब वो पेपर होने हैं। यानी जो अभी आपका जो जिन एग्ज़ाम की डेट आ गई थी, आपने पेपर में देखा होगा, न्यूज़ देखा होगा कि वो एग्ज़ाम शिफ्ट हो गए हैं। तो वो एग्ज़ाम कब होंगे, कब नहीं होंगे, तो इसी में थोड़ा डिटेल में जानने के लिए हम दीपक सर से बात करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे कन्फ्यूज़ हैं, काफ़ी मैसेजेस आए हैं लोगों के, और वो क्या करें, वो तैयारी करें नहीं करें, या कितने टाइम के लिए मतलब पेपर शिफ्ट हुआ है कोई आइडिया नहीं है। तो इस बारे में सर आपका क्या कहना है? ठीक है, चलिए अरुण सर, आपने बहुत अच्छा है यहाँ पे जो टॉपिक है वो उठाया हुआ, क्योंकि आजकल का भी माहौल ना इस समय अनिश्चितताओं का माहौल है, अनसर्टेनिटी जिसको कहते हैं वो माहौल है। ये श्योर है कि पेपर आपके होंगे, कब होंगे ये भी किसी को नहीं पता है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जो एक्चुअल सिचुएशन है वो बता दूँ। आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनकी अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, सचिव साहब का रिक्रूटमेंट हो चुका है, और जो परीक्षा नियंत्रक हैं, एग्जाम कंट्रोलर हैं, उनका भी आपका वहाँ पे नियुक्ति जो है वो हो चुकी है, ठीक है? तो अभी जो इनके टॉप हेड हैं, जो अध्यक्ष हैं, वही नहीं है, तो अभी जो कामकाज हैं वो आपके रुके हुए हैं, ठीक है? अब जब वो आएंगे उसके बाद ही जो सारे काम हैं वो सुचारू रूप से आपके आगे को जो है वो बढ़ते रहेंगे। पहला पार्ट तो ये है। तो अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट आपसे कहना चाहूँ, तो आपके जो भी एग्ज़ाम्स हैं, देखिए वो एग्ज़ाम कैलेंडर जो पहले आपका आया था प्रस्तावित जो था, वो अब पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि उसमें जुलाई तक के आपके पेपर हुए हैं। अगर हमने अरुण सर देखा होगा, 31 जुलाई को आपका दूरसंचार का पेपर हुआ है, ठीक है? उसके बाद से ये जब आपकी गड़बड़ियाँ शुरू हुई या ज़्यादा हमको पता लगने लगा, तो आपका आयोग ने वो सारी चीज़ें रोक दी। यानी अगस्त के पेपर नहीं हुए, अगस्त से लेकर दिसंबर तक आपका पूरा प्लान बना हुआ था कि अगस्त के महीने में ये एग्ज़ाम होने, सितंबर में ये होने। तो अगर हम आज की डेट के हिसाब से माने, तो लगभग आप ये मान के चलेगा कि जो एग्ज़ाम है ये बस अनुमान है हमारा स्टूडेंट, ठीक है? सरकार करना चाहे तो बहुत जल्दी भी आपका कर सकती है, लेकिन नॉर्मल जो रूटीन में रहता है, आप ये मान के चलिएगा कि 2 से 3 महीने तो आपके एग्ज़ाम जो हैं वो पीछे खिसकेंगे खिसकेंगे। उसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है? कोई एग्ज़ाम जो नई आपकी टीम बनेगी अभी, ठीक है, 2 आपके मेंबर्स वहाँ पर आ ही चुके हैं, तो हो सकता है कुछ एग्ज़ाम जो वो पहले करवा दें, ठीक है? जैसे अभी लैब असिस्टेंट का इस समय एग्ज़ाम था, हो सकता है वो बाद में करवा दें। तो ये आप मान के चलेगा कि जो अगस्त में आपके एग्ज़ाम है वो अब आपके अक्टूबर में या नवंबर में आपके होने के जो हैं वो चांसेज हैं। यानी जो दिसंबर में आपके ख़त्म हो जाएंगे वो फरवरी मार्च तक आपके कंप्लीट होने चाहिए। एक क्वेश्चन मैं इसमें और करना चाहूंगा, जैसे अगर मैं लैब असिस्टेंट को लेकर के बात करूं, क्योंकि ये पेपर बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अब वो उस टाइम पे नहीं हो पाया, फिर इलेक्शन की वजह से शिफ्ट हुआ, फिर और भी एक दो बार और शिफ्ट हुआ, और जो लास्ट में जो पेपर होना था उससे पहले ये गड़बड़ियां हो गई, तो जिसकी वजह से मतलब स्टूडेंट काफी डिमोटिवेट हो चुके हैं और वो कन्फ्यूज हैं कि एक्चुअली करना क्या है, इसको कंटिन्यू करें या नहीं करें। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उनको यहाँ पे अभी इस स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहिए, क्या ये श्योरिटी है 2 या 2 महीने बाद 3 महीने बाद पेपर हो जाएगा? तो ऐसे बहुत से सवाल हैं तो जिनमें मतलब स्टूडेंट कंफ्यूज हैं, तो उसमें आप अपनी क्या राय रखना चाहेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अरुण सर, मैं आपके साथ साथ स्टूडेंट को भी बता दूँ, स्टूडेंट ये आपकी जो परीक्षा है ना, उससे पहले की आपकी असल परीक्षा यही है। आपका जो एग्ज़ाम वो तो रिटर्न एग्ज़ाम है, वो केवल 2-3 घंटे का आपका एग्ज़ाम है, और ये जो आप बीच में समय जो आप व्यतीत कर रहे हैं ना, यहीं पर आपका पता लग जाएगा कि कौन सक्सेसफुल होने वाला है, कौन अनसक्सेसफुल होने वाला है। क्योंकि जो इस समय अपनी तैयारी छोड़ देगा वो श्योर शॉट है वो आपका अनसक्सेसफुल हो जाएगा, उसको सफलता मिलेगी नहीं। लेकिन जो इस विपरीत परिस्थितियों में भी अभी पढ़ाई कर रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल बाहर का माहौल अभी बिल्कुल आपका नकारात्मक बना हुआ है, ठीक है, बच्चों का कहना है पहले पेपर होंगे, पेपर होंगे तो उसके बाद क्या पता पेपर लीक हो जाए, पेपर लीक हो जाए तो कब वो हाईकोर्ट पहुँचेगा, कोर्ट पहुंच जाता है। तो यहाँ पर बस आपको अपनी मेंटल जो स्ट्रेंथ है वो बना के रखनी है, और जो स्टूडेंट इस बाधा को दूर करके पढ़ाई में लगा रहा, डिसिप्लिन बना रहा, फोकस्ड बना रहा, तो वो जरूर आपका एग्ज़ाम निकाल के रहेगा। एग्ज़ाम आपके जरूर होने हैं, ठीक है, एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है? भले ये देखो, अगर हम आपने जैसे सर यहाँ पे लैब असिस्टेंट की बात करी, ये एग्ज़ाम आपका नवंबर दिसंबर में प्रस्तावित था पिछली बार 2021 में, अब ये कब होने वाला है अभी भी पता नहीं, अगस्त में होना था, तो 2-3 महीने आप पीछे मान के चलेगा तो अक्टूबर नवंबर में इसके होने के चांसेस हैं। जैसे मैं एक बात को यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे लैब असिस्टेंट के बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया है, उनका कोर्स भी कई बार कंप्लीट हो चुका है, तो उसमें जब वो क्वेश्चंस करते हैं तो आप किस तरह से उनको फेस करते हैं, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि क्या मैं उस समय आंसर करूँ। हाँ, नहीं, तो ये मैं वीडियो के थ्रू मैं चाहूंगा कि मतलब जो बच्चे जितनी चीज़ें पूछ रहे हैं तो उनको एक साथ मतलब किस तरह उनको बताया जाए, क्या करा जाए, तो इसमें थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा हेल्प कीजिए। मैं बिल्कुल समझता हूँ, और सर यहाँ पे ये देखिए सिचुएशन बहुत टफ है,
और हर किसी का जो टेम्परामेंट है, पेशेंस लेवल है, वो हर किसी का अलग अलग है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ ऐसे हैं जो हमारे फर्स्ट बैच में जुड़े थे, अब वो तैयारी बिल्कुल छोड़ चुके हैं। हम उनको कितनी बार भी मोटिवेट करते हैं लेकिन वो कहते हैं सर अब नहीं हो पाएगा हमसे, हमारी घर की दिक्कत है, हमको जॉब करनी, लेकिन फिर भी हम उन्हें मोटिवेट करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, अब आपको आपके सपने को देखना है। अगर आपका सपना जो है ना वो सरकारी नौकरी का है, तो आप भले ही जॉब करें, आप भले ही पढ़ाई करें, आपको पढ़ना तो है ही, आपको लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम निकाल के रहना है, जो पर्यावरण पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम है वो आपको क्लियर करना ही करना है, उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और ये आग हम मोटिवेशन से ठीक है, आपको ये वीडियो देख के रहेगा कुछ टाइम तक आप मोटिवेट रहेंगे, लेकिन अंदर से आपके अंदर भी वो आग जलनी चाहिए, ठीक है, आपके अंदर भी वो धड़क होनी चाहिए कि हाँ जी मेरे को तो एग्ज़ाम निकालना है, चाहे सरकार कुछ भी करे, चाहे कहीं भी एग्ज़ाम पेपर लीक हो जाए, मेरे को तो अपनी एक सीट चाहिए। आपको बस अपनी एक सीट के बारे में सोचना है कि आपको वो एग्ज़ाम जो है वो निकाल के रखना है, आपको करना ही होगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। तो जब करना ही है तो इधर उधर की बातों को छोड़ दीजिए, ठीक है। समय के साथ साथ आप थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चलते हैं, लेकिन आप वापस से अपने ट्रैक पर आइए, पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बीच में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन जो इन दिक्कतों को पार करेगा वही आपका एग्ज़ाम में सफल होगा। करेक्ट सर। तो यहाँ पे मतलब ठीक है, यहाँ पे मतलब मेनली बच्चों को क्या करना है, मोटिवेट ही रखना है अभी, और उनको ये नहीं सोचना कि क्या होने वाला है, अपना उनको कर्म करना है, यानी जो उनका कर्म है पढ़ाई करने का उनको कंटिन्यू रखना है, और ये टफ टाइम में उनको स्टडी छोड़नी नहीं है। तो मेनली गाइस आपको फोकस ही इस पे करना है, और आप ये लेके चलिए कि आपको करना क्या है, आपको अपनी स्टडी पे फोकस करना है, और एग्जाम होगा ऐसा ही मान के चलना है, क्योंकि अभी देखो आप दूरसंचार का एग्जाम भी आपका हुआ ही है, लेकिन जब बीच में कुछ गड़बड़ियां हुई तो उस वजह से शिफ्ट हुआ है, तो इतना ज्यादा शिफ्ट नहीं होना चाहिए। जैसे दीपक सर ने बताया कि 2 से 3 मैंने चांसेस हैं और चीजें वैसे सुचारू रूप से चलना शुरू हो गई हैं, तो देखो अब अच्छा ही टाइम आएगा, यही आपको सोच के चलना है। तो आई होप गाइस ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, या अगर इसके अलावा कोई और भी क्वेश्चंस आपके हैं जो आपके दिमाग में चल रहे हैं या जो आप चाहते हैं कि आपको शेयर करने चाहिए, तो कमेंट बॉक्स आपका है, आप अपने विचार वहाँ पे रख सकते हैं, और अगर लगता है कि कुछ उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो उसको नेक्स्ट वाली वीडियो में हम दीपक सर से जरूर डिस्कस करेंगे। तो गाइज आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आज के इस वीडियो में इतना ही। तो जय भारत, जय उत्तराखंड।